आज अब हमको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए अगर आपको आना है तो बिल्कुल पीसफुली आना चाहिए, मतलब दिमागी स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हम आपको बेहोश नहीं करते, कुछ नहीं करते। तो आप आते हैं और हम आपका जो एम्ब्रियो होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो होता है या फ्रेश एम्ब्रियो होता है, वो हम आपके थैली या यूट्रस में छोड़ते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जब आप आओगे तभी दवाई बराबर खाना चाहिए। दवाई इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जो मेडिसिन देते हैं हम काफ़ी ओरली होती है, कई मेडिसिन वजाइनली होती है और कई बार इंजेक्शन भी देते हैं, वो लेना बहुत ज़रूरी है और वक्त पे लेना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो लड़कियाँ मुझे पूछती हैं, मैडम हम खा क्या सकते हैं? खाने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। आप वेजिटेरियन हो तो सब कुछ खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो भी सब कुछ खा सकते हैं। पुराने ज़माने से हम बोलते हैं कि पपाया और पाइनएप्पल मत खाइए, और वो हम भी हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि पपाया पाइनएप्पल मत खाइए ड्यूरिंग द एम्ब्रियो ट्रांसफर फेज। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ कि इवन IVF के पहले खाना पीना अच्छा रहना चाहिए, कि जो हम सप्लीमेंट्स देते हैं आपको, जो वाइटमिन्स मिनरल्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक याद रखिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेंटल रेस्ट, कि आप स्ट्रेस ना लीजिए। हर बार लड़की सोचेगी अरे बाप रे मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, बच्चा होएगा कि नहीं होएगा, ये टेंशन लेके आप 15 दिन निकालोगे तो डेफिनेटली ये हानिकारक हो सकता है। तो मेंटल रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल रेस्ट की ज़रूरत होती है, इन द सेंस कि आप ओवर एग्जर्ट मत करो। मैं तो बोलती हूँ मेरी लड़कियों को कि भारी चीज़ मत उठाओ, झाड़ू पोछा मत लगाओ या बर्तन कपड़े मत धो, लेकिन घर में घूम सकते हो बेड पे, अगर उठ के आप खाना खा सकते हो टेबल पे, एंड सीढ़ियाँ आप चढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हल्का फुल्का अगर कुकिंग करना है घर में तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें घर की आप कर सकते हो। काफ़ी लड़की आजकल स्मोकिंग करती हैं, तो स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। अगर आपके हस्बैंड स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ उनके साथ मत बैठिए, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग होता है। टू व्हीलर्स या थ्री व्हीलर्स पे नहीं ट्रैवल करना है आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोना चाहिए 7 से 8 घंटा, बिकॉज ये सब नींद, खाना पीना और मेंटल हेल्थ, ये सब तीनों मिला के हमारे सक्सेस रेट को डेफिनेटली बढ़ाएंगे। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद डरिए मत, प्लीज़ नॉर्मल रहिए। आई थिंक ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आ जाएगा।